दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश के सिद्धपुर, जिसे वर्तमान में हम सीहोर के नाम से जानते हैं, सिद्धपुर या सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की विठलेश सेवा समिति के तत्वावधान में कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आइए मिलकर एक बार फिर दर्शन करते हैं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के। और अभी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक पंडित जी की कथा यहीं होनी है, जिसमें रुद्राक्ष वितरण भी होना है। 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम भी है। इसके बाद एक वर्ष तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, जैसा कि पंडित जी ने ही बताया था। तो आइए दर्शन करते हैं मिलकर सिद्धपुर सीहोर में कुबेरेश्वर महादेव के। भोपाल सीहोर हाईवे पर स्थित कुबेरेश्वर धाम में पहुंचने के लिए जब हम भोपाल तरफ से जाते हैं, तो सीहोर से 10 किलोमीटर आगे हमें एक बोर्ड दिखाई देगा, जहां से हमें डायवर्सन लेकर राइट साइड जाना है और मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर अंदर हम कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। यदि इंदौर तरफ से हम आ रहे हैं, तो सीहोर से 10 किलोमीटर पहले हमें बोर्ड दिखाई देगा कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए। ये यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ेंगे, ये अब हम चल रहे हैं कुबेरेश्वर धाम के लिए। गेट नंबर 2 के पास आपको पार्किंग मिलेगी। ये 2 नंबर गेट से हम अंदर चल रहे हैं और यहीं आसपास आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सर क्यों जमा रहे हो? ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक पत्थर पर रखी हुई है बहुत सारे पत्थरों की ढेरियां, ये है मन्नत की ढेरियां। लोग यहाँ मन्नत करते हैं, घर बनाने की मन्नत, कि हमारा घर बन जाए, इसके लिए ये ढेरी लगा कर रखते हैं। वो मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आकर भगवान का पूजन करते हैं। यह है पूर्व कथा स्थल। पहले यहाँ अंदर हॉल में बैठकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। किसी समय में इसी हॉल में बैठकर पंडित जी कथा किया करते थे, भगवान शिव की कथाएं सुनाया करते थे। अभी 16 से 22 फिर कथा होनी है, किंतु उसके लिए भव्य पंडाल तैयार हो रहा है।
ये हॉल बहुत ही छोटा हो गया है आज की स्थिति में। जो मेरे पीछे बने हुए कमरे आप देख रहे हैं, इन कमरों में भक्तों के रहने की व्यवस्था भी है। यहाँ दो प्रकार के कमरे हैं, कुछ छोटे कमरे हैं, कुछ बड़े कमरे हैं। छोटे कमरे जिनमें 5-7 लोग आसानी से रह सकते हैं, बड़े कमरे जिनमें 10-12 लोग एक साथ आसानी से रह सकते हैं। छोटे कमरे का किराया 700 रुपये और बड़े कमरों का किराया 1000 रुपये। 25-30 कमरे हैं यहाँ जहाँ भक्त लोग रुक सकते हैं, किंतु यहाँ पूर्व बुकिंग नहीं होती है, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा और यदि रूम खाली हैं तो आपको सहजता से मिल जाएंगे। सामने दिखाई दे रही है मुरली मनोहर गौशाला, यह है मुरली मनोहर गौशाला। तो गौशाला और चलते हैं, फिर हम बात करेंगे सीहोर किस किस तरीके से पहुँचा जा सकता है। ये निर्माण कार्य सीता की रसोई भंडार गृह के लिए चल रहा है, जो पूर्व में ये सीता की रसोई था जहां राम जानकी और केवट के साथ गंगा पार करने के लिए। यह है मुरली मनोहर गौशाला की गायें। आप इन्हें चारा खिला सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो सीहोर के कुबेरेश्वर महादेव की दूरी हमारे नर्मदापुरम से 120 किलोमीटर के लगभग है, भोपाल से 30 किलोमीटर, इंदौर और उज्जैन से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी है सीहोर की, जहां आप बस द्वारा भी पहुंच सकते हैं, ट्रेन द्वारा भी पहुंच सकते हैं, और यदि आप वायु मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा आपको मिलेगा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, जहां से 30 किलोमीटर आप टैक्सी या बस द्वारा सफ़र करके आ सकते हैं कुबेरेश्वर धाम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर का, कुबेरेश्वर महादेव का, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी से तो बहुत अच्छा अवसर है, 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य कथा भी चलेगी, कथा भी सुनिए और आकर रुद्राक्ष भी प्राप्त करें।